भोले भाले हाँ ये तुम दीदी अगर मानो दिल जाने तो मन में वाले हाँ धोखे कभी न खाते धोखे कभी न खाते धोखे कभी न खाते बचना दे चंडे हाँ बस यीशु के बंदे हाँ आजाद परिंदे हाँ नफरे दे बदले बस प्यारे निंदे हाँ बस यीशु के बंदे नहीं फर्क लग गया मेरे जीजा जी डमताल दे
उन्होंने कहा कि तुम एक बार चर्च में आओ। मैं चर्च में आया पिछले संडे, दुआ कराई। मिसेज आए आए दे आगे बुलाओ, आगे आ जाए दे, आओ आगे आ जाओ, इन्हें मिसेज पे आगे आ जाओ, अच्छे आओ, जोर ना तालियां दे। दुआ कराई ते सोमवार मैं सिविल अस्पताल स्कैनिंग कराई इन्हें दी, डॉक्टर राजकुमार ने लेके दी ते बिल्कुल क्लियर आई है। ये वीरा जो वादा करना की शक्ति जरूर है, हालेलुया। सारे जय मसीह। मेरी अगुवाइया तो बहुत ने, देखो जिन्नी क मेरी याद है सजादी जान की भजन उतना मैं लिखी नहीं है, तो मैं याद नहीं पूरी रहा। कहानी सुनावा तो बड़ी लंबी हैगी है, अच्छ साल हो गया इस चर्च के सारे पता, और सामने तो हादसा होया मेरे सट लगी थी। देखो शैतान किन्ने काम करता और प्रभु किन्ना रोकता, मैं महीना लग गया मूली नहीं छड़ना। उसके बाद महीना डेढ़ महीना होया साढ़े कोरोना के टीके लगे, यह फरवरी की गल है, वो अप्रैल की गल है। मेरे नाल 15 जने सीगे साढ़े पिंड, मेरे तो भी कमजोर कमजोर, और मेरा इन्ना बुरा हाल होया कि मेरे को 2 महीने लग गए मैंने चक्कर आने से, मैं डिग पैना, फिर मैं उठ के खड़ा होना, मैं डिग पैना, इन्ना क मेरा हाल होया। बाकी मेरे नाल दे सब ठीक रहे, बिल्कुल कई किसी कुछ नहीं होया। उसके बाद दे विच महीने मगरों मेरे सप्प ने डंग लाता, मैं बिल्कुल ठीक रहा, मैंने कुछ नहीं होया। हॉस्पिटल रहे 3 दिन ही, मामूली चक्कर चुकर आया, कोई खास नहीं। उसके बाद एक दिन असं हूँ 3-4 हफ्ते होए आ, असी उत्थे गए, मेरी सस सी बीमार, वह पता लैन वास्ते। शुक्रवार का दिन से अभी अगे शनिवार रहे, शाम को मैं चल चलने साढ़े काके के सहरे ही उतो 3-4 किलोमीटर, वह भी सहरा को ठीक नहीं, मैं चलते रात रहे पता ले लेंगे वह भी, तो सवेरे अं सस भी जाना। थोड़ा उतो निकलदा सू हनेरा हो गया, 6 बज गए, लागे सगा 3-4 किलोमीटर। अभी गए अगे सड़क के पिंड के लागे ही, उत्तर सड़क के उत्ते चिकड़ थी थोड़ा, वो साड़ी स्कूटरी स्लिप हो गई। देखो अभी इस तरह डिगे कि मैं हैरान होया, मैं छेती कीती उठ के, तो मेरी वापसी नाल मैं फड़िया, मैंने इस तरह लगा कि सिर फाड़ गया, यह सड़क पर पई है, पर सट कि नहीं खास लगी, फिर पेट से माड़ी मोटियां लगियां। उत्थे अचानक ही 2 मुंडे आ गए, उन्होंने सानू पूछिया तुम्हें कितने जाना, चुकिया सानू, तो सानू मैं रात उत्तर मेरे को नींद नहीं पई, प्रभु की हो गया साढ़े नाल। मैं मेरे रात दिल से यो गल होती है कि सवेरे ही सत्संग जाना और मैं गवाही देनी है। देखो शैतान के काम वाकई का ठीक है, जिस तरह कुड़ी ने भजन गाया ना कि शैतान शर्मिंदा होंगे है, गवाही साड़ी नहीं देन दिता, और मैं इतने सारा दिन करता मैं गवाही देनी है, मेरे को नहीं उठाया गया, मैं नहीं गवाही दीती, अज भी मैं कहना मैं गवाइया देनी, मेरी बहुत गवाइया ने, पर मेरा दिल नहीं करेगा उठन, मैं क्या उठना ही उठना था जो कुछ भी हो गया। तो यह गल है कि शैतान जोड़ा ये रोकता, तो गवाही नहीं देन दिता। उसके बाद पहला की गल है उस चर्च की, वो नाल भी उत्थे भी मेरे नाल 2 काम होए। असी मकान बना लगे, मकान की नींह रखी साढ़े पास्टर साहब इन्हों खड़िया, मैं इन्होंने नींह रखी उत्ते, नींह जल्दी तैयार हो गई, वो भरत पाए करते ही मैनू बुखार आने शुरू हो गए। इस तरह का टाइफाइड बुखार होया कि वाकई मैं कहता कि कहते शैतान गल्ला करता, मैं कहना मेरे नाल गल्ला करके देख, मैं देखा किस तरह का शैतान होता, जिसे बंदा तंदुरुस्त होता उसके बंदा सोचता है गल कि वह बंदा थोड़ा कोई हो की है। वाकई मैंने बुखार ने इन्ना का घेरिया था, सवेरे 10 बजे का टाइम से, उसे मैं लम्मा प्यारा धुप च मूँह से परना लिया था, मैनू कहता मकान का काम बंद कर दे, तू तो देखना ही नहीं, कहता तो तू बंद कर दे, मैं इन्ना रोई जावा सिर से मूँह से परना लिया, फिर घर के बच्चे कोई लागे सुने ना, वो देखे ना, फिर डैडी रोए करता, मैं रोंदा रहा। मेरा भतीजा मेरा पता लैन आता, वह लागे घर हैगा, वो शाम को भी सवेरे भी पता लैन आता रहा, वो बेड़े च आ गया बेचन, मैं छेती परने मूँह साफ किया, तो मैंने पूछता चाचा की हाल है, मैं ठीक हाँ। मेरा दिल इन्ना क डर गया, बाकी मैं बच्चों को कहना मैं जवाब दे देना इन्होंने, तो बंद कर दो मकान का काम, तो मैं बचना नहीं है, तो की करना, तो बाद बना तो बनाते रहो। मैं फिर पाठ चुना, उस दिन मैं नवा नवा ही आने लगा, अजय मैं 2 साल हो करीब आंदा, साल तो इतने हो गया, साल उस चर्च हो पाठ साहब ना गल की, कह लगे कि तुम ना इतने घर आओ। देखो मैं स्कूटरी चला के आया है दोनों जी घर, इन्होंने माड़ा जीता कहता हूँ तू स्कूटरी ने चलाई तू, तो चलो थोड़े दिन फिर दवाई खाधी ठीक हो गया मैं। इस बात शैतान जोड़ा आ बहुत रोकता, इन्हें बहुत ही परखत की है, बड़े काम करता शैतान, इतों तक कि मेरे बहुत बहुत घटनावान हो
इस साल के बच्चे जो मेरे सट लगे तीन घटना हुई मेरे नाल तीन चार घटना तो देखो वो प्रभु बचाने वाला जिन्हें चिर ते श्वास है ना उन्हें चिर स्थान कुछ नहीं कर सकता सारे जय मसी हालेलुया। डॉक्टर ने टेस्ट लिया तो डॉक्टर ने की करता इन्हें ड्रा दिता कह लगे तेरे पेट च कैंसर है अज ही ऑपरेशन करा इदा क्या सी हाँ जी इदा क्या सी ठीक है जी जो उन्होंने मैं फोन पर दसिया मैं क्या पुत्र चिंता नहीं करनी यीशु मसीह दुनिया का सब तो बड़ा डॉक्टर है इस दुनिया को सब तो बड़ा डॉक्टर यीशु मसीह है उस डॉक्टर ने टेस्ट ले लिया वो अपनी टेस्ट के मुताबिक यह गल कह रहा है लेकिन जो यीशु मसीह तेरा टेस्ट लेगा ना वो अपनी टेस्ट के कुछ भी नहीं आएगा उसके टेस्ट के और यीशु मसीह ने अज का टेस्ट लिया तो अज ये बिल्कुल क्लियर है हाँ हूँ तुम्हें पूरी गवाही देनी है इन्हों का नाम दसना मैंने पूछा वोट पाने तो पहला मैंने पूछा कि मैं दस दिन की गल है फिर मैंने पूछा वोट पाने तो पहला मैंने पूछा कि मैं दस दिन की गल है कहती मैंने इदा का गला डॉक्टर मैंने कैंसर दसिया मैंने कहा कोई गल नहीं घबराने की कोई जरूरत नहीं तो हिम्मत रख प्रभु साढ़ा मैं कैंसर रसोलियां मैं कोड़ियां शुद्ध करता लगे चला ते तेरा कैंसर क्यों नहीं ठीक करेगा मैं सारा परमेश्वर जरूर करेगा हिम्मत रख प्रभु दे दास ने फिर फोन किया प्रभु दास ने प्रेयर की फिर पापा ने बोलिया कि जरा तेल है वह दिवन इस्तेमाल करे अपने पेट लाइए तो जरा जल है वह पीन दे फिर मैं उदा ही किया फिर बाद पापा जी प्रेयर की बाद फिर अही अपने मतलब चार पांच जने बैठ के प्रेयर की प्रभु का धन्यवाद करते हैं शुरू भी जारी करते हैं कैंसर जरा खत्म हो गया बस टेस्ट कराए कुछ भी नजर नहीं आया मैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं जरा विश्वास करेगा जाएगा मेरे जी मेरे मेरा नाम मीनू है मैं खानपुर मेरे जीवन की पहली गवाही मेरी बेटी है जो परमेश्वर ने एडा वा चमत्कार किया दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरा प्रभु ने कुछ इराग नहीं परमेशु प्रभु आना शुरू किया और फिर परमेश्वर ने इन्हों की गोदी को हरा भरा कर दिता अज तुहाडे सामने हालेलुया 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 दूसरी गवाही मेरी है कि मेरे हसबेंड दो तीन महीने तो नहीं है काम नहीं है बहुत ज्यादा परेशान ही फिर असी पास्टर जी को प्रेयर करवाई अज परमेश्वर ने मतलब की काम की बरकत ही दी है आमीन हालेलुया और तीसरी गवाही है कि मेरी बेटी ना हफ्ते च दो तीन बारी रात को बहुत परेशान करती है मतलब की सौंदी नहीं है भी। फिर अभी जिले मतलब की प्रार्थना करवाई पास्टर जी को बेटी मेरे रमान नाल सो जाती है आमीन हालेलुया जी मैं नाम मेरा राकेश कुमार है वाइफ मेरी पिंकी देवी कि मैनू एक बहुत बड़ी बीमारी थी खारिश वाली जो कि डॉक्टर के कोल बहुत पैसे लाए मैं कि मैं दुखी हो गया मेरी वाइफ भी मेरे को दुखी हो गई मेरी वाइफ किसी ने सुना कि मेरे बंदे को इतना बीमारी है कि मैं उन्होंने छड़ के चल जाना कि मेरी वाइफ मैंने खुद इन्नी गल सुना दी कि मैं इतना फील हो रहा कि मैं कंसर छड़ के चल जा कि मैं आन के कहने कि मैं प्रभु के कोल आया प्रभु की जो लगे चरनी लगे तो मेरी हौली हौली खारिश ये सारी दूर चल गई फिर मैं प्रभु के नाम धन्यवाद करना मैं परमेश्वर का मेरी एक गवाही होर है कि पिछले संडे मेरे को आने संडे मेरे को छुट्टी नहीं थी होनी कि मैं काम उदो ही स्टार्ट किया दो दिन पहले तो अचानक ही मैं संडे शनिवार सोच रहा कि मैं कल संडे है कल मेरी छुट्टी नहीं हो सकती मैं प्रभु ऐसे भजन गाँव रहा तो परमेश्वर वालों ही बहरों मालिक साढ़े आए कहते बेटा की कर रहा मैं बेटा ये कर रहा काम कर रहा कहता बेटा जी ऐसा करो तुम ना कल छुट्टी कर लियो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद किया परमेश्वर जी मैं दो दिन होया काम कर किसी को अपने सहायता लिए भेज दिता आप ही मैं प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करता मैं परमेश्वर का कि एक गल होर है कि मैं इस टाइम काम करने की छुट्टी सिर्फ संडे न ही मैं छुट्टी करता कोई काम काज भाई मैं इस तरह छुट्टी नहीं करता मैं काम काज की कोई घाट नहीं हैगी इस टाइम प्रभु की दया के नाल पैसे भेजने की मैं कोई कमी नहीं आ रही जो मैं इस चर्च के नाम प्रभु के नाल जुड़िया वा हालेलुया कोई कमी नहीं हालेलुया हालेलुया
हाँ जी राकेश कुमार जी, ये जी शरीर के उ खारिश सी किन्ने टाइम तो सी खारिश दसना तुसी माइक दे विच दसना? 3-4 साल हो गए सी माइक दे विच दसना। ए खारिश मैनूं 3-4 साल हो गए सी जांदी नहीं सी पी। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ, ਯਾਨਪੁਰ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਜੋ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਤੇਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲਹੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋਤ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਚਾਹਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੱਸਿਓ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਹੂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਲਹੂ ਲੁਭਾਣੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਫੋਟੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਸਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਸਰੀਰ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗੱਲ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਵੀ ਰੋਣਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣ ਲੇਖਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਰੋਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚਰਚੇ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਗਈ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੋਲੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਮੇਰੀ ਸੋਲੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ। ਆਮੀਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਪੀ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਰੱਖ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰੱਖ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਖੇਲਿਆ ਘਰ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਿਆ ਚੌਂਕੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੰਗ ਹੋਈ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਚੱਲ, ਕਹਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਹਿਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਚੱਲ ਜਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾ ਗਾ ਰਾਤ ਬਾਅਦ। ਇਹਨੂੰ ਲਈ ਆਈ ਉਸ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ, ਜਿਹਨੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਸੜ ਦੇਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੇ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਿਆੜਾ ਦਰਿਆੜਾ ਬਣ ਗਈ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਆਪਣੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਰਸੋਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਰਸੋਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਬੁੱਡ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਦਵਾਈ ਲੈ, ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਪਾਉਣੀ, ਨਾ ਲੋਣ ਹੋਣਾ ਨਾ ਬੈਠਣ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਾਈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਪੂਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਰਸੋਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੋਈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਰਾਸ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਜਾਣ ਖੋਲ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਜ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਪਿਆ ਰੋਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ 7 ਵਜੇ ਉੱਠੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ, ਦਵਾਈ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਧੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰੁਥਨਾ ਕਰਨੀ, 2 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਟ ਦੀ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਪ ਹੋਈ ਦੀਆਂ, ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਪੇਟ ਦੀ ਦਰਦ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਔਰ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਸਾਰੀ
मैं प्रैगनेंट सी 6 महीने तो 25 जनवरी नू असी स्कैनिंग करवाई अल्ट्रासाउंड उहदे विच दस्सिया कि बच्चा जाने के पेट विच डेड हो चुका है ते उहदे अंग पैर सही बने नहीं है ते फिर उस तो बाद विच उन्होंने फिर अंत जाते रहे ते फिर उस तो बाद विच अहीं ना मैं जाने के ठीक नहीं ही रहती जाने के सतां दे अटैक बड़े होंदे सीगे रात नू गंदे सपने आने ते सब बहुत ज़्यादा जाने के दबाव भी पैंदे रहे फिर उस तो बाद मेरा जाने के मिसकैरेज हो गया ते जाने के स्कैनिंग कराई उहदे विच दस्सिया कि बच्चा पेट विच डेड हो गया ते फिर मैं सवेरे जाने के उन्होंने फोन किया ते उन्होंने फोन नहीं चुकिया फिर उस तो बाद विच जाने के मैं पापा नूं फोन किया इन्हां दा नंबर मेरे कोल सी मैं उन्होंने फोन किया कि पापा जी दादा करके गल हुई है कि बच्चा पेट विच डेड हो गया है ते पापा जी बोलते कोई गल नहीं ठीक हो जाना है ते तुसीं जाओ असीं गए पापी ने तेल और जल उस दवा करके बनाया बोलते तुसीं इह लगांदे रहना है ते मैं उही लगाया फिर उस तो बाद विच असीं कपूर कोल गए उह बोलते अबोर्शन होना है ते उस तो बाद विच पापा जी पूरा दिन और पूरी रात मेरे लिए प्रार्थना करते रहे मैं इन्नी कु ज़्यादा तकलीफ इन्नी कु ज़्यादा तंग सी पापा जी नूं राती ले के फोन करती रही पूरी रात फोन करती रही ते सुबह 6 बजे केस होया वह भी नॉर्मल ते मैं उस तो छुटकारा पाया ते जाने के मैं पापा जी का मम्मा जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ जिन्हें मैनू इस छुटकारे तो आज़ादी दी ते मैं इस छुटकारे तो बाहर आई हालेलुया हालेलुया सब बोलो हालेलुया सब मिलकर इस बहन की गवाही को सुनते हैं इस बहन का नाम बानी है और ये पठानकोट की रहने वाली है इनके साथ इनके माताजी खड़े हैं जिनका नाम रानी है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं इनके पिताजी को गुजरे 1 महीना हो गया है जिसके कारण इनके माताजी बहुत बीमार हो गए थे और डिप्रेशन में रहने लगे और उनको भी लगता था कि अब मेरे भी कोई बचने की उम्मीद नहीं है फिर उन्होंने अपनी माताजी को कहा कि मुझे विश्वास है कि अगर हम अपने पास्टर जी से प्रार्थना करवाएंगे तो वह ज़रूर ठीक हो जाएंगे और ये एक दिन उनके घर गए और इनसे ले हैंड प्रेयर करवाई जिसके बाद आज इनके माताजी बिल्कुल ठीक हैं और हर प्रकार की बीमारी और डिप्रेशन से बाहर हैं हालेलुया 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 परमेश्वर की महिमा करेंगे